प्रभु के पवित्र नाम का सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 30वां वचन। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से व्यर्थ ना करें, विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। बेफिक्र होकर जीने के कारण अच्छी नौकरी, अच्छी पदवी, अपनी स्वाधीनता, धन संपत्ति को व्यर्थ में गंवाने वाले अनेकों व्यक्तियों को हमने देखा होगा। चाहे हम कितना ही गवा दें या किसी भी चीज़ को हम टाल दें, लेकिन परमेश्वर के हमारे प्रति जो विचार है उसे समय समय पर सुनने के लिए और उसी के अनुसार जीने के लिए यदि हम श्रद्धालु होते हैं तो निश्चय ही हम व्यर्थ व्यक्ति जीवन नहीं बल्कि परमेश्वर में वृद्ध व्यक्ति बन पाएंगे। आज इस दिन में आप अपने आप को जांचें कि आप एक व्यर्थ व्यक्ति हैं या फिर परमेश्वर में वृद्ध व्यक्ति हैं, उसका आज आप निश्चय करें। अनेकों परमेश्वर के भक्त अनेकों अवस्थाओं में प्रभु की कृपा अनुभव करे हुए व्यक्तियों को विशेष नाम देकर उन्हें संबोधित किया गया है, लेकिन आज मैं जो आपसे बांटना चाहती हूँ वो ये विशेषता है कि परमेश्वर हमारी कल्पना से भी बहुत बड़ा है। हमारे पढ़े गए वचन के अनुसार ऊपरी भाग में सब साधारण और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। आज हमारी आँखें और कान खुलने पाए, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने पाए और उसके अनुसार हम चलने पाए। यदि आप सभी प्रियजनों से पूछा जाए कि आप सभी परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप सभी यही उत्तर देंगे कि हाँ, हम परमेश्वर से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 21वां वचन इस प्रकार कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उसे मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सिर्फ ये मुंह से बोलना ही नहीं बल्कि प्रेम के साथ हमें उसकी आज्ञा का भी पालन करना है और जो हमें मिला है उसे हम प्रकट भी करने पाए। हम केवल हमारी भौतिक आवश्यकताओं के विषय में ही नहीं आज्ञाओं को पूछें बल्कि भौतिक आवश्यकताओं से ज़्यादा आत्मिक आवश्यकताओं के विषय में प्रभु की आज्ञाओं को पूछें और उसके अनुसार चलने वाले हों। प्रभु के निस्तुल्य नाम और लहू के द्वारा छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर और उससे रक्षा प्राप्त करके बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के सामने न्यायपूर्वक जीवन जीने में हम तैयार हों और उसमें प्रभु हमारी सहायता करने पाए। बपतिस्मा का ग्रीक पद बैप्टिजो होता है जिसका अर्थ डूबना होता है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानकर उस पर विश्वास करके जल में पूर्णतः डूबकर स्नान लेना ही बपतिस्मा है। ये आज्ञा किसी सभा की या फिर किसी प्रत्येक विभाग की नहीं है बल्कि हमारी कल्पना से भी बड़े परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की कल्पनाओं को त्याग कर हम व्यर्थ व्यक्ति ना बन पाए, परमेश्वर में हम वृद्ध व्यक्ति बनने पाए, उसकी आज्ञाओं को मानकर पूर्णतः जल में डूबकर स्नान लेकर बपतिस्मा प्राप्त करें और उसकी आज्ञाओं को मानकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। आगमन के लिए हम तैयार हों और अनेकों को भी हम तैयार करने पाएं और उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। इन वचनों के सुने जाने से प्रभु आप सभी का दिन अनुग्रहित करें। आमीन।